आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मन मुझे सब कुछ सच सच बता दे मन। दी दी मुझे दी, दी मुझे कैंसर है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? दी कुछ तो बोलो। दी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? दी मेरे आने वाले बर्थडे पे मुझे क्या गिफ्ट देने वाली? तुझे क्या चाहिए? देखो अब आप वैसे इतने बड़े घर के वहू हो गई हो, जीजू भी पैसे वाले हैं, तो गिफ्ट में क्या धांसू होना चाहिए? कम से कम 1,00,000 की बाउंड्री तो क्रॉस होनी चाहिए बॉस। मनु तुझे कब से लाखों की चाहत होने लगी? तू तो ऐसी नहीं थी। मैं मजाक कर रही थी। आप मुझे जो भी गिफ्ट दोगे ना वो मेरे लिए लाखों और वो करोड़ों से बढ़ के होगा। प्राइसलेस की तरह। अगर आज मैंने तुझे विश नहीं की तो मैं जिंदगी भर अपने आप से नाराज रहूंगी। प्लीज ऐसा मत होने दे मनु। प्लीज मुझे सब कुछ सच सच बता दे। अपनी दीदी से तो कुछ मत छुपा। प्लीज मनु।
याद है बचपन में जब मैं आपसे नजरें चुरा के बात करती थी तो आप झट से पकड़ लेती थी कि मैं झूठ बोल रही हूं। और आज जब मैं सच बताने आई हूं तो भी नजरें नहीं मिला पा रही होती। आखिर सच क्या है मनु? अंधी, मनु डर मत, मुझे साफ साफ बता दे मैं हूं ना तेरे साथ, सब कुछ ठीक कर दूंगी मैं, आई प्रॉमिस। नहीं दी, ऐसा प्रॉमिस मत दो जो आप निभा भी ना पाओ। बचपन से लेके आज तक आपने मेरी सारी मुश्किलें सॉल्व की, लेकिन ये मुश्किल नहीं सॉल्व कर पाओगी दी। कैसी मुश्किल में है तू मनु? क्या हो गया बता मुझे मनु। मनु मैं कह रही हूं मुझे सब कुछ सच सच बता दे, तुझे मेरी कसम दी मैं बीमार हूं। बीमार? हाँ दी, मैं बहुत बीमार हूँ। कैसी बीमारी? कब से बीमार हो तू? मनु मुझे सब कुछ सच सच बता दे मनु। दी, दी, मुझे दी, दी मुझे कैंसर है। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आप दी कुछ तो बोलो दी। दी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? दी दी मुझे कैंसर से इतना डर नहीं लग रहा जितना आपकी खामोशी से लग रहा है। प्लीज कुछ बोलो ना दी, ऐसे
चुप मत रहो दी, प्लीज कुछ बोलो दी। दी, दी, प्लीज कुछ बोलो ना, ऐसे मत करो। हे गंगा मैया, हम दोनों ने जब भी विश मांगी तो हमने यही विश मांगी कि हम कभी अलग ना हो, और आज भी हम वही विश मांगते हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा करता है ना, तो मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तेरी हमेशा रक्षा करूंगी। देखो तुम बड़ी बहन हो ना, और बड़ी बहन ना माँ जैसी होती है, और तुम्हें पता है ना मानवी इतनी कमजोर है, हमेशा बीमार रहती है। हाँ, आज मुझसे एक वादा करो कि कभी भी ना अपनी छोटी बहन से झगड़ा नहीं करोगी, और हमेशा हमेशा से उसका ख्याल रखोगी। प्रॉमिस मम्मी, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी। प्लीज कुछ बोलो ना, ऐसे मत करो, प्लीज ऐसे चुप मत रहो, कुछ बोलो ना, प्लीज कुछ बोलो ना। अब तक तो मानवी दी ने जीविका दीदी को सब कुछ बता दिया होगा ना? माता पिता को खोने के बाद जीविका ने मानवी को बहन की तरह नहीं अपनी बेटी की तरह पाला है। अब मानवी के कैंसर के बारे में सुनकर पता नहीं उसका क्या हाल होगा। जी, हमें चल के देख लेना चाहिए, मुझे भी फिक्र हो रही है। भाई मैं ये सोच रहा हूं कि जब मुझे सुन के इतना बड़ा शॉक लगा, भाभी तब तक ट्रॉमेटाइज हो चुकी होंगी। तो ये वो बात थी जो तू मुझे नहीं बता रही थी। अपनी इस बीमारी से ज्यादा तुझे मेरी फिक्र थी कि मैं बिगड़ जाऊंगी, टूट जाऊंगी। अगली लगता है तू अपनी बड़ी बहन को अभी तक नहीं पहचान पाई। मनु, आज तक तूने सिर्फ मेरा प्यार देखा, मेरा हौसला नहीं, मेरी कमजोरी देखी।
मेरी ताकत नहीं, और वो दोनों तू है, मेरा हौसला भी और मेरी ताकत भी, जिसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी। और ये जो कैंसर है ना, इसे जड़ से उखाड़ फेंकना और इसका नामो निशान मिटाना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी। तो बस हमेशा खुश रहे ये जानकर कि जब तक तेरी दीदी तेरे साथ है, तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरी दीदी तुझे कभी कुछ होने नहीं देगी। तुझे कुछ नहीं होगा मनु, सुना ना तूने, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा मनु। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं कोई करोड़ों अरबों टन का बोझ अपने सर पे लेके घूम रही हूँ, लेकिन अब सब कुछ निकल गया। आपको पता है मुझे कभी कैंसर से इतनी टेंशन नहीं हुई, मुझे बस आपकी चिंता रहती थी कि आप ये सदमा बर्दाश्त कर पाओगी कि नहीं। प्रदी, आपकी बातें सुन के, आपका हौसला देख के मेरी हिम्मत बढ़ गई थी। आज मेरी वो हिम्मत 2 गुना नहीं, 100 गुना बढ़ चुकी है थी, 100 गुना। अब मुझे कोई डर नहीं है थी। आपका रिएक्शन देख के, आपकी हिम्मत देख के मैं कितनी खुश हूं, मैं आपको बता नहीं सकती। आप तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली, सच। आपने दूसरों की तरह रोना धोना भी स्टार्ट नहीं किया थी। देखो ना बीजी, दी बिल्कुल नहीं रो रही है। दी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सॉरी बेटा, हमने तुझे पहले नहीं बताया क्योंकि हम तुझे बेवजह तकलीफ नहीं देना चाहते थे। चाचू, बीजी, अब छोड़िए ना, सारी टेंशन खत्म। डब्बू, तू ऋषिकेश से क्या लाया मेरे लिए? अगर मुझे गिफ्ट पसंद आया तो मैं तुझे बहुत सारे गुलाब जामुन खिलाऊंगी। गुलाब जामुन क्यों? आज हम पार्टी में एक कॉम्पिटिशन रखेंगे खाना खाने का, डब्बू और श्लोक के बीच में। परफेक्ट। हाँ हाँ, जाओ जाओ। तुम्हारे वो मिनी दादाजी है ना, उसे तो मेरा भाई 2 मिनट में हरा देगा। पार्टी है किस खुशी में? पार्टी इसलिए क्योंकि आज मिस मानवी मैडम का हैप्पी बर्थडे, और उनके प्यारे से जीजू ने उनके लिए पार्टी रखी है। वाव, अब जीजू बोले और साली ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? तो फिर रेडी, पार्टी करते हैं, खूब तैयारी करनी। चाचू, डब्बू, चलो, बहुत काम है। चलो। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.